नमस्कार, मैं हूं भावना और आप देख रहे हैं पश्चिम बंगाल राज्य से जुड़ी खबरें। उड़ीसा के भयावह रेल दुर्घटना में मारे गए एवं गंभीर रूप से घायल हुए लोगों के बारे में जानकारी लेने फिर से उड़ीसा सफर में गईं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इस दिन पश्चिम बंगाल राज्य में रहने वाले घायल लोगों से कटक के अस्पताल में मिलने पहुंची। वहां से उड़ीसा राज्य से सटे मेदिनीपुर अस्पताल में जाकर लोगों से मुलाकात की। वहीं दूसरी तरफ बालासोर रेल दुर्घटना में मारे गए एक ही परिवार के तीन भाई बंगाल के बसंती के रहने वाले उनके परिजन से राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने मुलाकात की एवं परिजनों के साथ रहने का संदेश दिया। राज्यपाल ने आर्थिक सहायता देने की घोषणा के साथ ही 6 महीनों तक परिवार का हर दायित्व लिया है। राज्य के विभिन्न अस्पतालों में 205 घायल लोग भर्ती हैं। केंद्र की बीजेपी सरकार ने आखिर क्यों पश्चिम बंगाल सरकार के 100 दिनों के कार्य का पैसा रोक रखा है, ये सवाल कोलकाता हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच के प्रधान विचारपति ने केंद्र की बीजेपी सरकार से किया है। बताया जाता है कि केंद्र की बीजेपी सरकार ने पश्चिम बंगाल सरकार के 100 दिन के कार्य का लगभग 2,700 करोड़ रुपए रोक रखा है। केंद्र सरकार का आरोप है कि 100 दिन के कार्य का फर्जी बिल बनाकर केंद्र से रुपए मांगे जा रहे हैं। कोलकाता हाई कोर्ट ने केंद्र एवं राज्य सरकार से रिपोर्ट मांगी है और ये रिपोर्ट 20 जून तक देनी होगी। पश्चिम बंगाल में अवैध कोयला उत्खनन एवं तस्करी कांड की जांच कर रही है सीबीआई और ईडी। ईडी ने राज्य के श्रम व कानून मंत्री मलय घटक के साथ साथ आसनसोल नगर निगम के 55 नंबर वार्ड की काउंसिलर दीपा चक्रवर्ती के पति शंकर चक्रवर्ती को पूछताछ के लिए समन भेजा है। मलय घटक को 19 जून और शंकर चक्रवर्ती को अगले सप्ताह दिल्ली स्थित ईडी मुख्यालय में देनी होगी हाजिरी। त्रिकोण प्रेम में एक प्रेमी की गोली मारकर हत्या, ये घटना है पश्चिम बंगाल राज्य के सिलीगुड़ी से सटे देवीडंगा ग्राम की। बताया जाता है कि एक युवती के प्रेम में दो युवक आपस में उलझे हुए थे और आज एक प्रेमी ने दूसरे प्रेमी की गोली मारकर हत्या कर दी। मृतक प्रेमी का नाम अमित गोस्वामी है। पश्चिम बंगाल पहुंचे एनआईए के डीजी दिनकर गुप्ता ने की बैठक। पश्चिम बंगाल में हाल के दिनों में एक के बाद एक बम विस्फोट के जांच की स्थिति जानने के लिए एनआईए के अधिकारियों के साथ बैठक की गई। इसके साथ ही बॉर्डर इलाकों की सुरक्षा मामलों को लेकर भी चर्चा की गई। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में दिन दहाड़े एक युवक की तेज धार वाले हथियार से हमला कर हत्या कर दी गई। गंभीर रूप से घायल स्वपन बर्मन को स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। सिलीगुड़ी में दिन दहाड़े एक युवक बाइक लेकर आता है और धारदार हथियार से हमला कर फरार हो जाता है। बाद में पुलिस ने आरोपी निरंजन मंडल को इस मामले में गिरफ्तार किया। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए पब्लिक टाइम्स, योर वॉइस, आवर मिशन। नमस्कार। विजुअल एड हो या डिजिटल एड, पब्लिक टाइम्स आपके लिए लेकर आया है पब्लिक टाइम्स एड मेकिंग डेस्क। यहाँ एक्सपर्ट ग्राफिक डिजाइनर की गाइडलाइन में बनाए जाते हैं विजुअल और डिजिटल एड बिल्कुल रीजनेबल रेट पर। सो कॉन्टैक्ट पब्लिक टाइम्स एड मेकिंग डेस्क। कॉन्टैक्ट नंबर 9332185842। आप हमसे ईमेल आईडी के जरिए भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है publictimes2011@gmail.com। शिल्पांचल की हर छोटी बड़ी खबर कभी भी कहीं भी देखने के लिए हमारे पब्लिक टाइम्स न्यूज चैनल को यूट्यूब पर करें सब्सक्राइब।